हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई है। अब की बार हम क्या डिस्कशन करेंगे, तो जो लास्ट टाइम हमने किया था बेटा, आज हम उसका पार्ट टू करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल सीखे थे, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक सीखी थी, आठ स्टेप में कैसे होते वो हमने सीखा था। अब ये बायोटेक्नोलॉजी जो हम कर रहे हैं, क्या इसके कुछ फायदे भी हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में, जिसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं कि भाई बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी से आपको याद है हम लोग GMO बनाते थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते थे। ये ऑर्गेनिजम्स क्या किस चीज़ में होते, तो आप देखो बेटा देखोगे कि इनका इस्तेमाल हम लोग प्लांट में भी करते हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग एनिमल्स में भी करते हैं, टू इन्हेंस दी न्यूट्रिटिव वैल्यूज बढ़ाने के लिए, प्लांट एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, इस बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हम देखने वाले हैं। देखिए द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए ध्यान से सुनिए। इसमें इंक्लूड होता है थेरापेटिक ड्रग्स, द ड्रग्स विच आर यूज फॉर द क्योर एंड द प्रिवेंशन ऑफ सम डिजीजेस। किसी भी डिजीज से क्योर करने के लिए जो डिजीजेस होती हैं, थेरापेटिक मतलब होती हैं, दीज आर दी ड्रग्स विच क्योर और प्रिवेंट फ्रॉम सर्टेन डिजीज। इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन का यूज होता है। हम लोग करते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन्स को हम लोग डालते हैं, कैसे होते हैं देखेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आजकल बेटा बहुत यूज हो रही है एग्रीकल्चर में। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में ना बेटा तीन तरह की क्रॉप्स यूज होती हैं। एक होती है हमारी एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर या एग्रोकेमिकल फूड क्रॉप, एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर लिख देती हूँ। चलो एग्रीकल्चर मतलब प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो बेटा एग्रोकेमिकल मतलब होता है यूज ऑफ केमिकल, एग्रो इज एग्रीकल्चर, केमिकल तो एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स इज नोन एज एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल्स। और इस एग्रोकेमिकल मेथड के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसका, फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, इन सब का हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। और ये ज़्यादा हार्मफुल भी कह सकते हैं होता है, क्योंकि जा तो बॉडी में केमिकल ही रहा है, इससे सॉइल इरोजन, इट लीड टू पोल्यूशन, इट लीड टू हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड लीड्स टू कैंसर लाइक डिजीजेस ऑल्सो। दूसरे टाइप का हमारे पास प्रेजेंट है एग्रीकल्चर, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के हमें फार्मर से कहते हैं कि हमें 1% भी क्या यूज़ नहीं करना, केमिकल यूज़ नहीं करना, वी हैव टू यूज़ ओनली बायो फर्टिलाइजर। व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर, द ऑर्गेनिज्म विच आर यूज एज अ फर्टिलाइजर आर नोन एज बायो फर्टिलाइजर। जिसमें आप देखते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में, इसके एग्जाम्पल में हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट देखते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट में आप देखते हो राइजोबियम बैक्टीरिया उसके नोड्स में रूट नोड्यूल्स बनाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, रूट नोड्यूल्स बनाता है बेटा, और ये रूट नोड्यूल्स बनाता है एजोबैक्टर की फॉर्म में काम करता है ये। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह के एनाबेना या ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये सब क्या है, एक तरह के बायो फर्टिलाइजर्स है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो जिसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं होता वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, केमिकल यूज एग्रीकल्चर होता वो एग्रोकेमिकल बेस्ड फार्मिंग होती है। और तीसरी जो है हमारी, उसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फार्मिंग या जेनेटिकली इंजीनियरिंग बेस्ड फार्मिंग। इसमें हम यूज क्या करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसमें हम यूज करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम स्पेशली उसमें कोई जीन इंसर्ट करते हैं जिससे उसका फिनोटाइप चेंज हो जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ऐसा मोस्टली हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा जब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो पूरे देश में एक कैंपेन ही चलाई गई थी जिसको आपने ग्रीन रेवोल्यूशन कहा था, जिसका एजेंडा था आपके प्रोडक्शन को,
आपके क्रॉप प्रोडक्शन को ट्रिपल करना, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। क्रॉप प्रोडक्शन को क्या कर देना, ट्रिपल कर देना विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन और विद इनहेंस इट न्यूट्रेटिव वैल्यू। तो इसमें हमने क्या क्या किया था ग्रीन रेवोल्यूशन में, वी हैव टू यूज एच वाई वी सीड, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स हमने यूज किए थे, वी हैव टू यूज मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर, मॉडर्न टेक्निक्स हमने यूज की, हमने इरिगेशन की टेक्निक यूज की, मॉडर्न टेक्निक इरिगेशन में कौन कौन सी मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं इरिगेशन में, लाइक योर स्प्रिंकल सिस्टम, योर ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम यूज किया, ड्रिप सिस्टम यूज किया, तो ये सब चीजें हम लोगों ने की यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक है कि यहाँ पे इन सब में यूज होता है। और प्रोसेस्ड फूड जितने भी हम लोग खाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है केमिकल्स है, अब उनके हम लोग हम बायोटेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, बायो रीमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सब में यूज की जाती है आज हमारी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में, तीन तरह के एग्रीकल्चर मैंने आपको समझा दिया, एग्रो बेस क्या होते हैं, एग्रीकल्चर बेस होता है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर क्या होता है, और ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने बात किया था, ये सक्सीड किया गया था, इंक्रीज करना था अपने को फूड प्रोडक्शन, बट इट वॉज नॉट सफिशियंट टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। तो एक सोल्यूशन आया था इसका, वो सोल्यूशन क्या था, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये आपका सोल्यूशन था, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज करना, जीन्स ऑफ द प्लांट बैक्टीरिया फंजाई एनिमल्स को चेंज किया गया, मैनिपुलेट किया गया और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाया गया जिससे क्रॉप आगे फॉर्म हुई थी। फिर जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स काफी यूजफुल है, क्यों, ये आप इनकी प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं, यहाँ पर इनकी क्या गिवन है हमें, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्यों खराब है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कोई फायदा ना हो तो बेकार। पहला, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, जो भाई एबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश का हो जाना, तो ये सारे के सारे एबायोटिक को, सूखा पड़ जाना, बहुत ज़्यादा सॉल्टी कंडीशन हो जाना, पीएच चेंज हो जाना, तो प्लांट जो है वो डाई कर जाता है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, वो इन कंडीशंस को ज़्यादा टॉलरेट कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस बायोटेक्नोलॉजी मेथड। फिर इट रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स, इनका एक ही काम है कि ये प्लांट को केमिकल्स पर निर्भर कम से कम कराएं, केमिकल्स के ऊपर उनकी जो निर्भरता है उसको कम करें। ठीक है, और पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाते हैं। अब ये हम केमिकल्स में क्या डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं पेस्ट को किल करने के लिए, अब इनकी तो प्रॉपर्टी ही यही है कि ये क्रॉप को क्या बना देते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट, कि भाई पेस्ट आपकी क्रॉप पे अटैक ही ना करे। अब अगर अटैक ही नहीं करेगा तो क्यों केमिकल डालोगे यार, पागल तो नहीं। फिर हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट, बेटा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट का मतलब होता है कि फसल उग गई, बहुत अच्छी फसल हुई, पर जब स्टोरेज की, स्टोरेज करने के बाद जब बेका, तब आपकी फसल खराब हो गई, उसका कीड़े लग गए या चूहों ने बर्बाद कर दी, इसे कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, जो इंडिया में बहुत देखने को मिलता है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है ये इंडिया की। फिर इंक्रीज करना एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय द प्लांट एंड प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्टन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब ये क्या कह रहा है कि भाई प्लांट को ना ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स लेने की एफिशिएंसी होनी चाहिए, प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल एब्जॉर्ब करे, क्योंकि जितना ज़्यादा मिनरल एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा वो सॉइल पर निर्भर रहेगा, तो सॉइल को बाइंड करके रहेगा, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी समय से पहले खत्म नहीं होगी। देखो ये इट प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्टेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, फिर इन्हेंस करते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू, ऑब्वियसली भाई इसीलिए कह रहा है न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाए, लाइक विटामिन ए बढ़ाता है किसमें, इनरिच राइस, जिसको हम कहते हैं गोल्डन राइस। देखो गोल्डन राइस हमने डेलोफिलिया प्लांट से लिया था, डेफोलिया प्लांट से, आई गॉड ये क्या हो गया, सो वी हैव टू टेकन अ डेफोडियल प्लांट, हमने डेफोडियल प्लांट से हमने यहाँ से एक जीन निकाला और उस जीन को एक नॉर्मल राइस के अंदर इंड्यूस करवा दिया था। ठीक है, नॉर्मल राइस के अंदर क्या करवा दिया था बेटा, इंड्यूस करवा दिया था, इससे क्या हुआ, इसका जो कलर है वाइट से चेंज हो गया गोल्डनिश,
गोल्डन कलर हो गया, इसलिए हम इसे बोलते हैं गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस की खास बात यह होती है कि इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि जो ये जीन डाला था ये क्या होता है, ये होता है प्रिकर्सर, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, ये विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। तो विटामिन ए की मात्रा भी बढ़ा रहा था, जिन लोगों को विटामिन ए की कमी है उनको दिया जाता है। तो गोल्डन राइस एक एग्जाम्पल है एक आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का। ये रहा। फिर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। अब ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, देखो भाई देखो ध्यान से। ट्रांसजेनिक प्लांट कैन बी ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज कल्चर एंड द जेनेटिक इन इंजीनियरिंग। टिश्यू कल्चर हमने पढ़ा है। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते थे बेटा, कोई हमारे पास प्लांट होता था, हम उस प्लांट के सबसे ऊपर वाले पोर्शन को रिमूव करते थे, उसको अलग अलग कल्चर मीडियम में डालते थे और प्लांट को ग्रो करते थे। ये सीजनलेस प्लांट हुआ करता था, ये कह सकते हैं डिजीज फ्री होता है, लेस स्पेस लेस टाइम लेस मनी में उगने वाला प्लांट होते थे, ये काफी अच्छे होते थे। तो जो टिश्यू कल्चर आपने किया साथ में उसमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग भी कर दो तो वो प्लांट कहलाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। क्या कहलाएंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, जिसमें टिश्यू कल्चर प्लस जेनेटिकली इंजीनियरिंग की जाए। ट्रांसजेनिक प्लांट में नेचुरल रेजिस्टेंस होता है किसका, हर्बिसाइड्स एंड प्लांट्स। वो हर्बिसाइड्स और प्लांट पेस्ट से अपने आप ही रेजिस्टेंस बना लेते हैं। द वैक्टर यूज टू इंड्यूस न्यू जीन इन टू प्लांट सेल इज द मोस्ट प्रेफरेंट प्लाज्मिड। आप सभी लोग जानते हैं कि प्लांट जीन के अंदर किसी भी नए जीन को इंड्यूस करने के लिए सबसे अच्छा वैक्टर TI प्लाज्मिड होता है, जो कि एग्रोबैक्टीरियम से लिया जाता है, ट्यूमर ऑफ इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे ट्यूमर ऑफ ब्रॉड लीव्स वगैरह भी कहते हैं। फॉर यूजिंग TI प्लाज्मिड, इफ यू हैव टू यूज अ TI प्लाज्मिड एज अ वैक्टर, तो आपको रिसर्चर्स को एलिमिनेट इन द ट्यूमर कॉजिंग प्रॉपर्टी वाइल कीपिंग इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर द DNA। अब हमें पता है कि जो प्लाज्मिड है ये ट्यूमर कॉज करता है। अब मान लीजिए अगर हम इस TI प्लाज्मिड को यूज कर रहे हैं और अगर ये ट्यूमर आपके होस्ट को दे दे तो इसने तो आपका काम खराब कर दिया। इसने क्या कर दिया, काम खराब कर दिया, तब क्या करोगे। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन हो, बिल्कुल हो भाई, ट्रांसफर हो, यही तो हम चाह रहे हैं। पर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वो अपनी डिजीज को अपने ट्यूमर को ना लेके जाए। तो हेंस फॉर द जेनेटिकली इंजीनियरिंग एग्रोबैक्टीरियम स्ट्रेन्स आर डेवलप इन ट्यूमर फॉर्मिंग जीन्स आर डिलीटेड। तो इसलिए हम कैसे बनाते हैं उनको कि भाई वही यूज करना है, बस उसके अंदर से वो जो ट्यूमर कॉज करने वाले जीन है उनको हम निकाल लेते हैं और फिर उनका यूज कर लीजिए आप। बिल्कुल, देखो द पार्ट ऑफ द TI प्लाज्मिड ट्रांसफर टू द प्लांट सेल, उसको हम कहते हैं TDNA। दिस TDNA इज डिजायर्ड DNA स्प्लिस्ड इनटू इट इज इंसर्टेड इनटू द क्रोमोसोम बाय द होस्ट प्लांट वेयर इट प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। ये जाएगा होस्ट सेल के क्रोमोसोम के पास, वहां जाके अपनी कॉपीज बनाएगा बाय माइग्रेटिंग फ्रॉम वन क्रोमोसोमल पोजीशन टू द अनदर। सच प्लांट्स आर नोन एज कल्चर्ड। अब भाई एक क्रोमोसोम के ऊपर ये रहा, इस क्रोमोसोम के ऊपर आपका पर्टिकुलर DNA आया था, यहाँ पे इसने अपना रेप्लिकेशन किया, रेप्लिकेशन करके दूसरे सेल के पास चला जाएगा, एक के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा, ऐसे प्लांट को कल्चर्ड कहते हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को। देखो तो यही चीज यहाँ पर दिखाई गई है, एग्रोबैक्टीरियम TI प्लांट को कैसे ट्रांसफर किया जाता है किसमें, बैक्टीरिया में। तो देखो ये रहा, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेनेसिस है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, TI प्लाज्मिड है पूरा, ये क्या है इसका TDNA। ये आपका प्लांट सेल है जो कि यहाँ पे क्या काम कर रहा है एज ए होस्ट। तो सबसे पहले हमने TI प्लाज्मिड का DNA लिया, इसको इसमें क्या कर दिया, पास कर दिया, ये रहा TDNA इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट। देखो ये रहा, ये था आपका होस्ट का DNA, हमने ऐसे दिखाया। इसे मान लीजिए कि ये आपका होस्ट है, होस्ट के अंदर ये प्रेजेंट है उसके क्रोमोसोम, दीज आर द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट ऑफ द होस्ट। ये होस्ट के प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर TI प्लाज्मिड को इंसर्ट कर दिया, TI प्लाज्मिड को इंसर्ट किया। इंसर्ट करने से TI प्लाज्मिड का TDNA इसके अंदर जा रहा है, कहाँ है ये रहा मान लो, ठीक है TDNA जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके जो ये प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स, इनके ऊपर ये DNA जो है वो हमें शो होना शुरू हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस, इतने इतने पोर्शन पे, यहाँ यहाँ पे देखो ये शो रहा। देखो यही चीज़ देखो यहाँ पे दिखाई जा रही है, दैट इंड्यूस कर दिया,
फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये मल्टीपल कॉपीज बना रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, फिर इस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम पैलेट को कल्चर्ड मीडियम में ग्रो करेंगे और फिर उससे क्या आ जाएगा, नया प्लांट हमारा ग्रो कर जाएगा जो कि क्या कहलाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ठीक है बेटा, तो ये टेक्निक हम अपनाते हैं प्लांट्स की अंदर किसी पर्टिकुलर जीन को इन्हेंस करने के लिए। ओके बच्चों, सो अब हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बीटी कॉटन। तो हमें बीटी कॉटन करना है और बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है। ये क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब आपको पता है बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट को खा जाते हैं। जैसे आपको एक इमेज दिख रही है, तो कोई कॉटन वॉल की इमेज है भाई, कॉटन है, सूती है, कपड़ा पहनते हैं हम लोग, गर्मी में हम लोग किसी की दौलत जिंदा रहते हैं। तो हमारे पास कॉटन वॉल्स होती हैं, तो मेरे बच्चे कॉटन वॉल्स जो होती है ना, देखो अगर आपके मान लीजिए इंसेक्ट अटैक हो गया, अगर क्या हो गया, इंसेक्ट अटैक हो गया, आपके प्लांट को इंसेक्ट ने अटैक कर दिया, तो बेटा आपकी जो कॉटन बॉल्स होती है ना वो डिस्ट्रॉय, तबाह हो जाती हैं, ऐसी हो जाती हैं कुछ इस तरीके की। जब आपको क्या कर देगा भाई, इंसेक्ट अटैक कर देगा। मैम कौन सा इंसेक्ट अटैक करते हैं, तो बेटा मोस्टली बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स इस पर अटैक कर देते हैं। पर अगर अटैक ना हो, आपका प्लांट इंसेक्ट फ्री हो, इंसेक्ट से रेजिस्टेंस रखे, तो कॉटन वॉल देखो इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी से कॉटन से यहाँ से फॉर्मेशन होती है ये। तो अब हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे प्लांट्स पर ये इंसेक्ट अटैक ना हो। अब ना हो तो इसी के लिए तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बीटी मेथड। बीटी इज वो बच्चों, बीटी इज बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो सॉइल बैक्टीरिया कहलाता है। इट इज अ सॉइल बैक्टीरिया। नाम क्या है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। ये किल कर सकता है अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स, मतलब मेरे बच्चों ये लैपिडोटेरेंस को भी किल कर सकता है, जिसको हम लोग टोबैको ट्यूबर्ड और आर्मी वुड्स कहते हैं। ये आपके सीलोपटेरेंस को भी किल कर सकता है, जिसमें बीटल्स आती हैं, आपके साइड देखते हो ना रेड रेड और ब्लैक ब्लैक पैचेस होते हैं। ये डायप्टेरेंस को भी किल कर सकता है, जिसमें कौन कौन आते हैं, फ्लाइज, आपके मॉस्किटोज, इन सबको भी क्या कर सकता है बेटा, ये किल कर सकता है। अब बात आती है कैसे करता है, हाउ, किस तरीके से ये प्रोसेस करता है। देखो बेटा उसको समझते हैं, वी हैव टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ बीटी। कंसेप्ट बनाते हैं, अपने आप समझ में आएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है लर्न करने की, कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो। बेटा देखो होता क्या है, आपका जो ये बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस होता है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, इसके अंदर पाया जाता है बेटा एक प्रोटीन, इसके अंदर बेटा पाया जाता है एक प्रोटीन जिसका नाम होता है क्राई प्रोटीन। जिसका नाम क्या होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा, एक तरह का मान लो क्रायजीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे बच्चों, क्रायजीन। और ये क्रायजीन क्या बनाता है, क्राय प्रोटीन बनाता है। ये क्रायजीन क्या बनाता है मेरे बच्चों, क्राय प्रोटीन बनाता है। मतलब क्रायजीन है जो कैरी करता है अपने ऊपर एक प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या होता है, ये इसकी आउटर कोर होती है। इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या होती है, एक तरह की इसकी आउटर कोर मेम्ब्रेन होती है। जैसे हम लोग बैक्टीरियोफेज में नहीं पढ़ते हैं कि भाई ये एक प्रोटीनिशियस लेयर है, तो कुछ इस तरीके की इसकी भी क्या होती है, एक तरह की प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन की आउटर कवरिंग होती है। तो ऐसे ही प्रोटीन की आउटर कोर, आउटर कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, क्राय प्रोटीन। क्राय प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे कैरी करते हैं क्रायजीन। क्रायजीन से कैरी करता है, क्या नाम है इसका, क्राय प्रोटीन। अब ये क्या होता है बेटा, ये प्रोड्यूस कर सकती है जो प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोड्यूस कर सकता है टॉक्सिन, मतलब जहर प्रोड्यूस कर सकता है इंसेक्ट के गट में। पर अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अभी किस फॉर्म में होता है, ये इनएक्टिव, क्योंकि अगर ये अभी एक्टिव फॉर्म में हुआ तो भाई ये तो बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरिया को किल कर देगा। पर ये बैक्टीरिया के अंदर किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसे हम प्रोटॉक्सिन भी बोलते हैं। प्रोटॉक्सिन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन। किसमें पाया जा रहा है, क्राय प्रोटीन। क्राय प्रोटीन को कौन कैरी करता है, क्रायजीन। क्लियर, ठीक, ये होता है। अब जैसे ही मान लीजिए इसे कोई इंसेक्ट आ गया खाने के लिए, भाई उसका मन कर रहा है, खा लिया उसने, ये रहा कोई इंसेक्ट आ गया, इंसेक्ट ने ईट कर लिया, इंसेक्ट एट दिस क्राय प्रोटीन, इस क्राय प्रोटीन को एक इंसेक्ट ने खा लिया। तो जैसे ही ये क्राय प्रोटीन इंसेक्ट की मिड गट में जाएगा, तो बेटा क्या होती है, इंसेक्ट की जो मिड गट होती है वो अल्कलाइन पीएच होती है। इनसाइड की मिड गट में अल्कलाइन पीएच होती है, जो कि आपके इस इनएक्टिव टॉक्सिन को एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट कर देती है। मतलब जो अभी आपके पास
प्रोटॉक्सिन है वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा और ये क्या कर देगा, ये प्लांट के मिड, प्लांट बोल रही हूँ, इंसेक्ट के मिडगट में क्या कॉज कर देगा, ये मिडगट का खाल है भाई इनके, ये इंसेक्ट्स के मिडगट का हाल है। तो मिडगट में क्या हुआ, प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू टॉक्सिन, टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही बच्चों ये टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है, इसे इंसेक्ट्स के बॉडी में क्या कॉज कर देता है, टॉक्सिसिटी। तो इट कॉजेस टॉक्सिसिटी, इट कॉजेस, बल्कि टॉक्सिसिटी के तौर पर क्या करता है, ये इसकी गट में प्रोलिफरेशन करता है, मतलब छेद छेद कर लेता है, पोरिलेशन कर लेता है। तो इट कॉजेस प्रोलिफरेशन इन एपिथेलियल सेल, एपिथेलियम सेल से होता है ना बेटा, एपिथेलियम सेल ऑफ मिडगट, मिडगट के जो एपिथेलियम सेल है उसमें छलनी छलनी कर दिया, जिससे आपका इंसेक्ट, जिससे क्या होगा भाई, आपका इंसेक्ट जो है, आपका जो इंसेक्ट है वो डाई कर जाएगा ड्यू टू स्टार्वेशन। तो इंसेक्ट डाई ड्यू टू स्टार्वेशन, भाई खाना नहीं मिल रहा, भूखा मर रहा है, तो भूखा मरेगा तो क्या होगा बेटा, मर ही जाएगा एक समय पे, छलनी छलनी होगा क्योंकि उसकी मिडगट। तो इस तरीके से ये अपना कॉज करता है, ठीक है। तो एक क्रायोजीन है, कैसे अभी करता कैसे, कैसे जाता है ये आपके प्लांट के अंदर, ये प्रोसेस को भी समझ, ये समझ में आया कि भाई कैसे ऐसे किल कर रहा है। तो ये कैटरपिलर्स वगैरह के इनको सबको किल कर देता है, जिससे हमारा प्लांट इंसेक्ट फ्री हो जाता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट हमें मिल जाता है, और कॉटन बॉल्स की उतनी ही वो होती है प्रोडक्शन। अब बात आती है कि प्लांट के अंदर कैसे एंटर करता है, हाउ इट इज एंटर इन अ प्लांट एंटर। मान लीजिए दिस इज योर डीएनए ऑफ क्रायोजीन, मेरा क्रायोजीन, और इस क्रायोजीन में पाए जा रहे हैं बहुत सारे क्राय प्रोटीन, दिस इज क्रायोजीन, ठीक है, ये क्रायोजीन है ये रहा। अब ये क्रायोजीन क्या करेगा भाई, इस क्रायोजीन को कौन कैरी करेगा, हमें पता है, हमने पढ़ा है एग्रो बैक्टीरियम का टी आई प्लाज्मिड ही कैरी करता है, वही एक अच्छा बैक्टर है। तो यहाँ पर कौन होगा भाई, टी आई प्लाज्मिड होगा, कौन होगा, टी आई प्लाज्मिड होगा, बिल्कुल होगा टी आई प्लाज्मिड, क्योंकि टी आई प्लाज्मिड से अच्छा हमारे पास कोई और कोई बैक्टर है ही नहीं, तो टी आई प्लाज्मिड है ये रहा भाई आपका, ठीक है, टी आई प्लाज्मिड है। जैसे ही क्रायोजीन इस पर एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा भाई, इसके साथ जुड़ेगा, जैसे आपने पढ़ रखा है भाई कि सबसे पहले यहाँ से इनके दोनों की यहाँ पे कटिंग होगी, दोनों में यहाँ पे हम लोग मॉलिकुलर सीजर से इसको कट करते हैं, उस मॉलिकुलर सीजर का नाम सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि क्या होती है वो मॉलिकुलर सीजर। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये मॉलिकुलर सीजर की मदद से कट होते हैं, और उस मॉलिकुलर सीजर का नाम क्या है वो हमारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे, ठीक है, कट कर देंगे। कट करने के बाद क्या होगा, दोनों की सेम पोजीशन कट होगी तो आपका जो टी आई प्लाज्मिड है वो कुछ इस फॉर्म में आपको दिखेगा कि भाई ये रहा आपका प्लाज्मिड, ये आपका वेक्टर है प्लाज्मिड, इसका पोर्शन कुछ कट हो गया, और इस कट पोर्शन के ऊपर आपका जो क्रायोजीन है, आपका जो क्रायोजीन है देखो ये रहा, वो इसके ऊपर ला के जुड़ गया, देखो ये रहा, दिस इज योर क्रायोजीन, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्राय प्रोटीन इसके ऊपर आके जुड़ गया, और फिर इस क्राय प्रोटीन को हम आगे क्या कर देंगे, पास कर देंगे किस मेथड से भाई, जुड़ा किसकी मदद से है भाई, डीएनए लाइगेज की मदद से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डीएनए लाइगेज को, डीएनए लाइगेज का एक और नाम क्या है, इसे हम मॉलिकुलर ग्लू कहते थे ना बच्चों, बिल्कुल मॉलिकुलर ग्लू, सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मॉलिकुलर ग्लू कहा जाता है इसको, इसे ज्वाइन कर देता है, और फिर क्या होगा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर क्या होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन होकर ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा आपके बैक्टीरियल सेल में, दिस इज योर बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में आपका कौन आ गया, आपका आ गया ये रहा टी आई प्लाज्मिड, आपका टी आई प्लाज्मिड आ गया विच कैरी अ क्रायोजीन, ये रहा टी आई प्लाज्मिड आ गया, और अभी क्या है ये है अभी इनएक्टिव फॉर्म में, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, दिस इज नॉट अ बैक्टीरियल सेल, दिस इज अ प्लांट सेल, बच्चों कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है, प्लांट सेल के अंदर आया है। अच्छा प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म किस मेथड से किया होगा, तो याद है ना जीन गन बैलिस्टिक मेथड, तो इसको हमने जीन गन या फिर बैलिस्टिक मेथड से इसके अंदर ट्रांसफॉर्म किया,
ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट में जाएगा और क्या कॉज करेगा, वही इंसेक्ट की बर्बादी, तो हमारा प्लांट बच जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास बीटी प्लांट्स हम लोगों ने बनाए हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारे बीटी प्लांट्स हम लोगों ने बना लिए हैं आज। एक ऐसे हमारे पास बीटी कॉटन है, हमारे पास बीटी कॉर्न भी है, बस हम लोग ये उसमें इंजेक्ट करवा देते हैं। बीटी कॉर्न है, बीटी पटैटोज हैं बेटा हमारे पास बहुत सारे, और हर किसी के लिए स्पेसिफिक क्राई प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हाँ, एवरी इंसेक्ट देयर इज अ स्पेसिफिक क्राई प्रोटीन इज प्रेजेंट। जैसे कि अगर मैं कॉटन बॉलीवॉर्म की बात करूं, तो उसके लिए हमारे पास क्राई 1AC एंड क्राई 2AB प्रोटीन्स होते हैं प्रेजेंट, जो कैरी करते हैं इसके लिए। और अगर आपके पास कॉर्न वॉर्म्स हैं तो उसके लिए हमारे पास क्राई 2AC होता है। चेक कर लेना सही लिखा है, क्योंकि कितनी बार होता है इसमें मिस्टेक हो जाती है मुझसे लिखने में, तो ये बच्चे चेक करके बता देंगे कमेंट बॉक्स में ठीक था गलत था। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है आपका बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस। पूरा प्रोसेस देखो भाई, मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको कर दिया, पूरा समझा दिया है। अब आपको इससे रीड कर लेना है, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं लिखा हुआ है जो मैंने आपको नहीं समझाया। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी चीज़। चलो अब आगे आते हैं। अब है अपने पास पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। मेरे बच्चों क्या पढ़ना है, अभी हमने इंसेक्ट से रक्षा कर ली, इंसेक्टिसाइड नहीं डालना पड़ा, बैसिलस यूज कर लेंगे। अब भाई पेस्ट से भी तो रक्षा करनी है, और कौन से पेस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जिन पेस्ट की बात कर रहे हैं वो नेमाटोड्स है, मेलिडोनी इनकोन्शिया। ये मेलिडोनी इनकोन्शिया ये कहाँ पर पाए जाते हैं भाई, ये तंबाकू की रूट में होते हैं। क्या कॉज करते हैं, रूट नोड्यूल्स डिजीज। क्या कॉज करते हैं, रूट नोड्यूल डिजीज कॉज करते हैं। अब देख लो खुद ही दिख रहे, देखो रूट्स में देखो दिख रहे हैं गोले 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 बन रहे हैं, दीज आर रूट नोड्यूल डिजीज। ये रूट नोड्यूल डिजीज ही है, देखो ये गोले गोले बन रहे हैं। ये आपका प्लांट है जिसमें पेस्ट अटैक हुआ है, और ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। आप देखोगे कि इसके रूट्स में कोई ऐसे आपको गोले गोले दिखाई नहीं देंगे, ये पेस्ट रेजिस्टेंस है, ये पेस्ट अटैक प्लांट है आपका। अब इसके लिए एक नेमाटोड है जो अटैक करता है, नाम क्या है, मेलिडोनी इनकोन्शिया, ये अटैक करता है। अब इसको कैसे रोकें, तो इसके लिए अपन अपनाते हैं एक टेक्निक जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। इस टेक्निक को अपनाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, उस जीन की साइलेंसिंग करते हैं। हम यहाँ पे क्या अपनाते हैं मेरे बच्चों, हम यहाँ पर अपनाते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, जिसको हम जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं। इसमें हमें और कुछ नहीं करना, जीन को साइलेंस करना है। जीन साइलेंसिंग हम लोग यहाँ पर करवा देते हैं। अब ये जो है, जो जीन इंटरफेरेंस टेक्निक है, ये यूकैरियोट्स के अंदर एक सेलुलर डिफेंस सिस्टम है। इट इज़ अ नेचुरल डिफेंस सिस्टम इन ऑल यूकैरियोट्स, सारे के सारे यूकैरियोट्स के अंदर एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम पाया जाता है। दूसरी चीज, ये कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए को एक्सेप्ट नहीं करता। डू नॉट एक्सेप्ट डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए आएगा तो तभी ये प्रोटेक्शन करना शुरू कर देगा। अब होता क्या है, तो कुछ में आगे दे रखा है क्या, इन दिस मेथड स्पेसिफिक, अच्छा सम एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, नो उसमें नहीं दे रखा। चलो मैं यहाँ पे समझाती हूँ। मान लेते हैं आपका सेल है, दिस इज योर सेल, या आपको एक सेल है, इस सेल के अंदर आपका ये रहा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, डीएनए। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए बनता है। डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन रहा है बेटा, ये रहा आरएनए, ये रहा एमआरएनए बन रहा है। और पता नहीं कहीं से भी बेटा हमारा क्या होता है, किसी भी एक्टिविटी की वजह से एक और आरएनए इसका आ जाता है कॉरस्पॉन्डिंग, और इसके साथ क्या कर लेता है, ये बाइंडिंग करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसे हम कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, आपका आरएनए इंटरफेरेंस या जीन साइलेंसिंग एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये क्या करेगा, ये जैसे ही हम लोग इसको इंजेक्ट करेंगे किसी बॉडी में, तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा। डीएनए के दो सीक्वेंस बनेंगे, एक एरा सीक्वेंस, एक एरा सीक्वेंस। एक को हम लोग बोलेंगे सेंसर,
एक को हम बोलेंगे एंटी सेंसर, दो बनते हैं तो बेटा ये क्या करता है, आपका आरएनए इंटरफेरेंस इस सेंसर को स्टॉप कर देता है। आपका जो आरएनए इंटरफेरेंस है ये क्या कर देगा, इस सेंसर के वर्क को स्टॉप कर देगा, स्टॉप वर्किंग कर देगा। और अगर इसकी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी तो ये ट्रांसक्रिप्शन करके कभी आरएनए नहीं बनाएगा, और आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा। ठीक है, दिस स्पेसिफिक इन्वॉल्व अ स्पेसिफिक एमआरएनए, इसके लिए स्पेसिफिक एमआरएनए चाहिए जिसको हम एमआरएनए साइलेंसिंग भी कहते हैं। द रिजल्ट वॉज द पैरासाइट कुल नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट, वो उसमें सर्वाइव नहीं करते क्योंकि हमने ये टेक्निक उसके अंदर आरएनए इंटरफेरेंस डाला कि जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आ जाएगा ये सेंसर वाले को साइलेंस कर देगा, काम खत्म। द ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो अपने आप ही प्रोटेक्शन इससे ले लेता है, मतलब वो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट अपने आप बन जाएगा। कुछ और भी आपके एप्लीकेशन से घेरा प्रोटीन होता है हिरोडिन नाम का, ये हमारा बहुत ही अच्छा एक कह सकते हैं एंटी पैरासिटिक डिजाइन होता है, लीरे इट प्रेजेंट इन लीच विच प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग, ये ब्लड क्लोटिंग है, एंटी क्लोटर इसको हम बोलते हैं। इट जीन वॉज केमिकली सिंथेसिस इंट्रोड्यूस इन टू द ब्रासिका नेप्यूस, इसके अंदर डाल के इसको सिंथेसिस किया जाता है। और हम क्या करते हैं, इनको सीड्स ऑफ मस्टर्ड में डाल देते हैं। द सीड ऑफ द लेटर केम टू हैव बीन हिरोडिन विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड और प्योरीफाइड, हम इसमें से निकाल सकते हैं और उनको प्योरीफाई करके यूज कर सकते हैं एंटी क्लोटिंग पर्पज के लिए। फिर देखो एक फ्लेवर शेवर, एक फ्लेवर शेवर टमाटो टेक्निक भी हमारे पास प्रेजेंट है। इसमें क्या होता था कि भाई हमारा, हम क्या करते हैं भाई, देखो दो तरह के टमाटर आते हैं मार्केट में, देसी आते हैं विदेशी आते हैं। देसी होते हैं खट्टे खट्टे स्वाददार, है ना, गोल 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 खरीदते होगे मार्केट से। और जो विदेशी टमाटर आते हैं वो लंबे लंबे आते हैं, काफी टाइट होते हैं, जिनका सामान हम लोग सलाद में करते हैं, पर खट्टापन नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारा जो देसी टमाटर है ना वो पिलपिला हो जाता है कुछ दिनों में, हम चाहते हैं कि वो पिलपिला ना हो, वो टाइट रहे और खट्टापन रहे। तो मतलब फ्लेवर भी चाहते हैं, सेवर भी चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि आपके जो टमाटो है, टमाटो की जो सेल वॉल होती है वो पैक्टिन की बनी हुई होती है, और कुछ समय में क्या हो जाती है, ये डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है। और अगर ये डिग्रेड होने लगेगी तो सॉफ्टनिंग आनी शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें एक एंजाइम ऐड करते हैं, उस एंजाइम का नाम याद रखेंगे हमारे बच्चे, पॉलीगैलेक्टोट्यूमरेज एंजाइम हैज बीन डन, इसको हम करते हैं। ये क्या करता है, ये आपकी ओवर राइपनिंग पैक्टिन को डिग्रेड नहीं होने देता, जिससे आपका जो टमाटो है वो टाइट रहता है और खट्टापन तो उसमें होगा ही। जैसे फिर गोल्डन राइस, ये हमने बात की थी कि ये भी एक ट्रांसजेनिक वेराइटी है राइस की, ओराइजा स्टाइवा, जिसमें गुड क्वालिटी ऑफ बीटा कैरोटीन होता है जो कि हम लोग डालते हैं, जो कि एक विटामिन ए का प्रिकर्सर है। फिर प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लाइक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट फार्मास्यूटिकल फ्यूल्स यूजिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, हम लोगों ने बहुत सारे मेथड्स यूज इसके किए हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम लोग प्लांट्स में यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है बेटा, अब देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के, अब बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन हेल्थ, हेल्थ में कैसे करेंगे, मतलब सिंपल हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस में कैसे होगा। तो बेटा ह्यूमंस में हमने जो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की उसमें सबसे पहली चीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं ह्यूमिलिन। ह्यूमिलिन, ह्यूमिलिन इज ह्यूमन सिंथेसाइज्ड या ह्यूमन इंसुलिन, हम लोग अपने पास से इंसुलिन बनाएंगे उसको डालेंगे, उसे ह्यूमिलिन कहते हैं। ये क्यों डालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में पैनक्रियाज इंसुलिन कम रिलीज करता है। होता क्या है भाई ह्यूमिलिन से, ह्यूमिलिन क्या है भाई, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में आपका जो इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन लो हो जाता है, उनका प्रोडक्शन काफ़ी लो हो जाता है। और इंसुलिन कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन दी पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक हार्मोन है ये, पैनक्रियाज में प्रेजेंट है। अब ये काम नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे। अच्छा होता कैसा है भाई, सबसे पहले बात को अगर हम इसका स्ट्रक्चर को समझे ध्यान से, सो आई हैव अ डायग्राम या हेयर, देखिए ये हमारा एक तरह का इंसुलिन होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, हमारा इंसुलिन। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं पीछे की तरफ बनाती हूँ, कुछ इस तरीके का, ये रहा कुछ इस तरीके का होता है आपका, ये यही है ना भाई, नहीं थोड़ा सा अलग बना दिया मैम आपने। बच्चों डायग्राम की यही तो पंगा है मैम से, मेरे से डायग्राम ही तो नहीं बनते हैं, वो बच्चे बनाना सिखा देंगे। चलो कोई बात नहीं, हेरा कुछ इस तरीके का आपको दिया हुआ है ये, आई हैव टू मार्क विद सम अदर कलर, दिस वन एंड दिस इज, ठीक है बच्चों दो कलर
तीन कलर के हो गए अब आपकी ये आपका प्रो इंसुलिन है। ये हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा, ऐसा प्रो इंसुलिन होता है। प्रो इंसुलिन मतलब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन, ये प्रो इंसुलिन है। इस प्रो इंसुलिन में देखो तीन चेन होती है, इसको हम ए पेप्टाइड चेन कहते हैं, इसे हम बी पेप्टाइड चेन कहते हैं और इसे हम सी पेप्टाइड चेन कहते हैं। ये जब ये क्या होती है बेटा, जब ये एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो ए चेन है, ये जो आपकी ए चेन है और आपकी जो ये बी चेन है, ये दोनों की दोनों आपस में जुड़ जाती हैं बाय डाई सल्फाइड लिंकेज, दो सल्फर की लिंकेज से, दो सल्फर एटम्स की लिंकेज से क्या हो जाती हैं, ये ज्वाइन हो जाती हैं। और आपका जो ये सी वाला है, आपका जो ये सी है, दिस इज पेप्टाइड ए, दिस इज पेप्टाइड बी, और ये फ्री हो जाता है आपका सी, इसे हम लोग कहते हैं एक्टिव इंसुलिन। ये हमारी कहलाती है एक्टिव इंसुलिन, ये काम यहाँ पर होता है हमारा, ऐसी होती है प्रो एक्टिव प्रो इंसुलिन होती है इसे कन्वर्ट होता है जब ये एक्टिव इंसुलिन में, तो जो ए और बी जो पेप्टाइड चेन है वो आपस में ज्वाइन हो जाती है, सीज हो जाती है बेटा, इनसे फ्री हो जाती है हमारी, ठीक है। तो यही चीज़ देखो यहाँ पर दिखाई हुई है कि ये रे ए और बी में आपस में ज्वाइन बन गया, सी जो है वो क्या हो गई आपकी, फ्री हो गई। ये नॉर्मली हमारे में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। और जो एक्टिव इंसुलिन, इसका काम क्या होता है, एक्टिव इंसुलिन की अगर मैं बात करूँ इसका रोल क्या होता है, रोल ऑफ इंसुलिन, तो बेटा जी इंसुलिन का रोल होता है ये कन्वर्ट करता है आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, जिससे आपके बॉडी में शुगर की मात्रा बनी रहे। ग्लाइकोजन मतलब एक तरीके से क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को, इट कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज ही करता है एक तरीके से। दूसरी चीज़, आपका जो ये अमीनो एसिड है इसको कन्वर्ट कर देता है ये प्रोटीन में, आपके जो फैटी एसिड है इसको कन्वर्ट कर देता है ये ग्लिसरोल में, फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है ये ग्लिसरोल में। ये सारे काम करता है कौन, आपके इंसुलिन। अब जब इंसुलिन कम है तो ये काम नहीं होगा, बॉडी में ग्लूकोज ग्लूकोज रहेगा जैसे शुगर लेवल बढ़ जाता है और डायबिटिक डायबिटीज मेलाइथिस हो जाती है। इस बीमारी को हम लोग हाइपर ग्लाइमेशिया भी कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, डायबिटीज को, जो डायबिटीज मेलाइथिस है आपकी, इसको हम हाइपर माइलेशिया माइलेशिया भी बुलाते हैं, याद रखना। तो अब बात ये आती है कि अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर आपकी भाई, हमें अभी इंसुलिन ऑप्टेन करनी है। कैसे ऑप्टेन करेंगे, कैसे करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स थे। हम लोगों ने क्या किया कि भाई सबसे पहले इसको, तो हम लोग सबसे पहले बात ओरली नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कि भाई आपको इंसुलिन की टैबलेट खिला दे काम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इंसुलिन, अगर आप इंसुलिन की टैबलेट ओरली खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में, हमारी ओरल कैविटी में डाइजेस्ट हो जाती है, तो फिर तो काम नहीं होना, फिर क्या होगा। तो हमारे पास क्या थी भाई, कुछ हमारे पास काउज एंड शीप्स थी, जिन्होंने हमने क्या किया, पिग्स थे सॉरी, पिग्स एंड शीप्स थी, हमने उनकी बॉडी में से निकाला पैनक्रियाज और इंसुलिन बनाया। पर वो इंसुलिन जब ह्यूमन बॉडी में डाला तो एलर्जी हो गई, क्योंकि नॉन ह्यूमन सोर्स था भाई। ह्यूमन सोर्स को एक्सेप्ट कर लेगा हमारी बॉडी, पर नॉन ह्यूमन सोर्स को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान लो हिटोट्रॉप्स, ठीक है भाई हिटोट्रॉप्स है, पर है तो नॉन ह्यूमन सोर्स, नहीं किया एक्सेप्ट। तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया, हमारी एक अमेरिकन कंपनी आई जिसका नाम था इली लिली, ये रही देखो इली लिली अमेरिकन कंपनी आई 1983 में। इसने क्या किया, सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में से ही इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करके बॉडी में डाला गया। देखो मेरा फर्स्टली प्रिपेयर डीएनए सीक्वेंसिंग की, जिसमें ए एंड बी ह्यूमन चेन्स बनाई गई, और सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया प्लाज्मिड ऑफ इकोराय इक्रोकिन कोलाय में, और इंसुलिन चेन्स बनाई गई। मतलब ये रही एक ए चेन और एक ये बी चेन, इन दोनों चेन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया किसके अंदर, इकोलाई के अंदर, और इकोलाई के अंदर जाके क्या हो गया, इन दोनों के बीच में बन गए डाई सल्फाइड लिंकेज। इन दोनों के बीच में क्या बन गई, इस तरीके की डाई सल्फाइड लिंकेज बन गई, डाई सल्फाइड लिंकेज का फॉर्मेशन हो गया। जिस तरीके से हमें क्या मिल गई, हमें पहली ह्यूमिलिन मिली यहाँ से, और इसको हम डालते हैं तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो बायोसिंथेटिक ऑफ सेमरोट्रोपिन वॉज अचीव थ्रू जीन क्लोनिंग। अच्छा ये भी और भी है, बोविन ग्रोथ हार्मोन, एक ग्रोथ हार्मोन होता है बेटा जो बहुत सारे वेनेटरी में यूज होता है। इंजेक्शन अ काओ विद दिस हार्मोन कैन इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। आप ये हार्मोन डालने से ना काओ के अंदर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। एक हमारी काओ थी जिसका नाम है रोजी, है भाई रोजी, जिसको आप रोज देते हो, रोजी काओ थी बेटा। रोजी काओ जो थी, इसका जो मिल्क था ना, रोजी काओ है ये, इसका जो मिल्क होता है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके अंदर प्रोटीन जो होता है वो ज़्यादा होता है, 2.4 ग्राम अल्फा लैक्टोम्यूबुलिन प्रोटीन। इसके अंदर क्या होता है बेटा,
2.4 ग्राम ऑफ अल्फा लैक्टोबिलिन प्रोटीन होता है ये पर लीटर ज़्यादा होता है, पर लीटर ऑफ मिल्क में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट, मतलब कि बाकी काउस के अंदर अल्फा लैक्टोबिलिन कम मात्रा में पाया जा रहा है, पर रोजी काउ के अंदर ये ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा था। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे बोविन ग्रोथ हार्मोन है जो हम देते हैं काउस वगैरह को ताकि उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 25% से भी ज़्यादा बढ़ जाता है और न्यूट्रिटी वैल्यू भी बढ़ जाती है। अच्छा, इससे पहले हमारी एक और थी ट्रेसी। ट्रेसी कौन थी भाई? ये थी एक शीप। ट्रेसी कौन थी? ये थी बेटा एक तरह की शीप। ये क्या करती थी? ये रिलीज करती थी एक एंटी ट्रिप्सिन ड्रग ये रिलीज करती थी। इट रिलीज एंटी, इसके अंदर से हमने एंटी ट्रिप्सिन ड्रग को ओरिजिनेट किया जो कि आपकी स्मोकिंग रिलेटेड एक बीमारी है जिसका नाम है इम्फाइसीमा। इससे प्रिक्योर आप कर सकते हैं। इम्फाइसीमा से क्या कर सकते हैं आप? इसको क्योर कर सकते हैं। ये एक स्मोकिंग डिजीज है जिसमें क्या होती है, हमारी एल्वियोलाइज ख़राब हो जाती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाता, ब्रीथिंग लेने में लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आपको होती है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके। फिर हमने कुछ ट्रांसजेनिक माइस बनाते हैं हम लोग ट्रांसजेनिक माइसिस हम लोगों ने बनाए हैं। 95% माइसिस आज हमारे पास ट्रांसजेनिक माइसिस हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं, कोई भी ड्रग टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी कॉस्मेटिक टेस्ट के लिए यूज़ हो सकता है, इसको स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे माइसिस हम बनाते हैं। ये भी किस मेथड से बनाते हैं? बायोटेक्नोलॉजी से बनाते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो एक्सप्रेशन कैपेसिटी होती है वो माइस की, नॉर्मल माइस के मुकाबले ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर आती है हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सी थ्योरी, वो है जीन थेरेपी। इस जीन थेरेपी में ना अपन को एक लड़की के बारे में पढ़ना है जिसको ना एक बीमारी थी, जिसकी 4 साल की लड़की थी भाई, 1990 की बात है, जिसके अंदर सबसे पहले ये जीन थेरेपी की गई थी। और कहाँ गई वो लड़की? ये रही 1990 में 4 साल की एक लड़की जो कि डेफिशिएंट थी ADA एंजाइम से, जिसको कहते हैं एडिनोसाइन डीएमिनेस की डेफिशिएंसी थी। इस डेफिशिएंसी से क्या होता है? SCID, सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी। क्या होती है इससे? सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब ये वो डेफिशिएंसी है जिसमें अगर शरीर में छोटी सी बीमारी भी आ जाए तो हो सकता है वो आपकी जान ले ले, लीड टू डेथ कर दे। तो दिस एंजाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। एंजाइम ये बहुत ज़रूरी है किसके लिए? ताकि इम्यून सिस्टम काम कर सके। अब SCIC कॉज करता है डिफेक्ट जीन्स में जिसे काम नहीं कर पाते, तो हमने क्या किया इसकी बॉडी में? जीन थेरेपी की। क्योंकि इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है ना उसकी बॉडी में टी लिम्फोसाइट फंक्शनल नहीं होते, दे कैन नॉट प्रोवाइड अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट इनवैलिड पैथोजन, इसको मेमोराइज नहीं करते, बी सेल्स की हेल्प नहीं करते। पढ़ा है ना हमने बी प्लाज्मा सेल की हेल्प करते हैं, टी सेल्स वो हेल्प नहीं कर पाते हैं, इसलिए इम्यूनिटी बन नहीं पाती है। अब इस जीन थेरेपी में देख लीजिए आपको अलग अलग दिखाए गए कौन कौन सा प्रोटीन किस किस एनिमल में होता है, क्या इसका यूज़ होता है। मेरा एंटी थ्यूमिन सेकेंड प्रोटीन गॉट में पाया गया जो कि रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ ब्लड नीडेड इन सम सर्जरीज में जो ब्लड है उसको कम बहने से रोकता है। फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 ये गॉट पिग एंड शीप में मिलता है। इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया में करते हैं जो कि ब्लड डिसऑर्डर होता है। फिर CFTR सिस्टिक फिब्रियोसिक ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस ये शीप में पाया जाता है जो कि सिस्टिस फिब्रियोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होता है। फिर लाइसोस्टैटिन इज अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन फाउंड इन द काउ, ये एक एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड है जो प्रिवेंट करता है मैस्टीसिस, मतलब कि काउस की बॉडी के अंदर इसमें क्या होता है, उनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, बहुत हल्का मिल्क आता है, उसको रिड्यूस करता है। फिर गॉट में पाया जाता है ये अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग करता है प्रोडक्शन, लाइट वेटनिंग मेडिकल एंड इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, ये ज़्यादातर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में यूज़ होते हैं, इससे हल्के बनते हैं और क्वालिटी अच्छी होती है उनकी। ठीक है, तो एक छोटी सी टेबल है जिसको सिर्फ जस्ट फॉर रीडिंग पर्पज़ है और कुछ इसमें नहीं करना। अच्छा, तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई? अब जीन थेरेपी है, अपने को क्या देनी है? जीन थेरेपी देनी है किसी को।
तो जीन थेरेपी हम लोग कैसे दे सकते हैं? तो भाई देखो, जीन थेरेपी में सबसे पहले तो हो सकता है कि भाई हम किसी इंजाइम को प्रोजेक्ट कर दें बॉडी में, इंजाइम्स को किसी बॉडी में डाल दें, पर बेटा ये परमानेंट मेथड नहीं है, ज़्यादा 90 डे, बस आफ्टर 90 डेज इन्फेक्शन फिर आ जाएगा, क्योंकि इंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे, जब तक रहेंगे तब तक इनकी एज तक काम करेंगे, फिर आफ्टर 90 डेज क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक मेथड होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी एक अच्छा मेथड है, पर ये भी परमानेंट मेथड नहीं है, क्योंकि जब तक कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जब तक बोन मैरो ये आपके सेल्स बनाता रहेगा, आप डिजीज से बचे रहेंगे, जीन थेरेपी होती रहेगी। जीन थेरेपी का वैसे बेटा मतलब क्या होता है? जीन थेरेपी का एग्जैक्ट मतलब होता है आपके डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर देना, डिफेक्टिव जीन को क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। इस टेक्निक को जीन थेरेपी बोलते हैं। इसको करने के दो तरीके मैंने आपको बताया, तो एंजाइम डालना या बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना, पर दोनों ही आपके परमानेंट मेथड नहीं है, टेम्पररी है। हमारे पास परमानेंट मेथड ही तब हो सकते हैं अगर हम ये काम एम्ब्रियोनिक स्टेज पर कर दें। अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ये काम कर देना बोन मैरो थेरेपी की, उस स्टेज में हमारे जो सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते, कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस स्टेज में अगर हमें कर देंगे तो बेटा डिफरेंशिएट ही ये सेल्स करेंगे, तो यही सेल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये काम अच्छे से करेंगे। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज ही इसका एक तरह का परमानेंट इलाज है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, इसके बाद इनका परमानेंट इलाज करना पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है, एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द जीन थेरेपी इज द लिम्फोसाइट, एक्सट्रैक्ट करो बोन मैरो में से, पेशेंट के में से, उसमें डाल दो, और इसमें एंजाइम कौन सा डाल दो, ADA एंजाइम डाल दो, जब तक ये रहेगा काम होता रहेगा। बट दीज सेल डू नॉट ऑलवेज रिमेन अलाइव, पर हमेशा अलाइव नहीं रहते, पेशेंट को रिक्वायर्ड करना पड़ता है पीरियोडिक तरीके से, आपको बार बार डालना पड़ेगा। हाउएवर इफ आइसोलेटेड जीन बोन मैरो ADA इज इंट्रोड्यूस एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट कैन बी अ परमानेंट क्योर। ठीक है बेटा, अगर आप इस पर करते हो तो ये परमानेंट क्योर है। वेरियस वैक्सीन जो आपको दे रखे, कन्वेंशनल वैक्सीन की आज हमारे पास इन लोग, हमने इसी बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से बनाई है, कुछ लाइव वैक्सीन, कुछ इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस हम डालते हैं, एंटीजेंस हमने बना लिए, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाई हैं जिनको हम DNA वैक्सीन भी कहते हैं, सब बायोटेक्नोलॉजी का है। अब वैक्सीन क्या होती हैं, वैक्सीन ये रिप्रेजेंट करती हैं इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो वैक्सीन में ही रहा है, एज दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन देती है बहुत सारी डिजीज से, आई थिंक सो लाइफ टाइम दे देती है। जैसे कि हमारे पास सबसे इफेक्टिव वैक्सीन थी, सबसे पहली जो हमने बनाई थी वो बनाई थी स्मॉल पॉक्स की, वंस अ डेली डिजीज, जो कि बहुत ही भयंकर डिजीज थी एक समय पे पूरी दुनिया में, ये महामारी के तौर पे फैली थी, हमारे पास कोरोना महामारी हम लोगों ने देखी है, ऐसे ही एक समय पैंडेमिक था स्मॉल पॉक्स का, तो जब इसकी वैक्सीन आई तो हम लोग इससे निकल पाए, जैसे कि हमारे पास कोरोना की वैक्सीन से हम लोग निकल पाए। एफर्ट टू डेवलप द वैक्सीन टू कंट्रोल द फर्टिलिटी हैव मीड विद द इनकरेजिंग सक्सेस, बहुत अच्छे से हुए थे। बेसिकली 3 अप्रोचेस हमें करने पड़े, सबसे पहले वैक्सीन हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट SCG मतलब ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स के अगेंस्ट वैक्सीन काम करनी चाहिए, एंटीबॉडी अगेंस्ट फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन हमारे पास होना चाहिए, और एंटीबॉडीज अगेंस्ट विटामिन कैरियर प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें आपके वैक्सीन एक आइडियल वैक्सीन में प्रेजेंट होनी चाहिए। मैनी न्यू वैक्सीन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेरी सेकेंड जनरेशन वैक्सीन हमारे पास आ गई हैं जो कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्निक से बनाई गई हैं, ये ज़्यादा यूनिफॉर्म है, ज़्यादा अच्छी हैं, कम साइड इफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, और प्रोड्यूस बाय द कन्वेंशनल मेथड। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड वैक्सीनेशन का याद रख लेना हेपेटाइटिस बी, पर इसका आजकल फिर भी अगर ये हो जाए तो परमानेंट क्योर नहीं है हमारे पास, हम इसका सिर्फ वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, और हर्पेस वायरस का। नाउअडेज आज तो वही थर्ड जनरेशन वैक्सीन भी हमारे पास डेवलप हो गई है, तीसरी जनरेशन की वैक्सीन आ गई जिसको हम लोग सिंथेसाइज्ड वैक्सीन भी बोलते हैं। ड्यू टू द एडवांस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आज हम बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत एडवांस हो गए हैं, आज हमारे पास पॉसिबल है कि हम ऐसी डिजीज बना सकते हैं, ऐसी वैक्सीन बना सकते हैं जो कि इंसान की नॉर्मल डाइट को कर सकते हैं। दीज वैक्सीन इन टू प्लांट्स ईटन एज अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल डाइट, आप इनको नॉर्मल डाइट की तरह खा सकते हो, जैसे कि आप बनाना या एप्पल खाते हो ना, आप इन वैक्सीन को सीधा खा सकते हो और आपकी बॉडी क्योर रहेगी। ठीक है,
बायोटेक्नोलॉजी हैज प्रूव टू बी अ बून इन सॉल्विंग अ क्राइम्स भाई, क्राइम सॉल्व करने में भी एक बहुत बड़ा हथियार रह चुकी है बेटा बायोटेक्नोलॉजी। कैसे? कोई भी लीगल डिस्प्यूट को पहचानती है ये, एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम्स। आप देखते हो ना, मर्डरर या एक्सीडेंट होती है तो किसी भी चीज़ को भाई हमारे बायो फिंगरप्रिंट्स, हमारे डी एन ए फिंगरप्रिंटिंग्स होती हैं, सबको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्रिमिनल जैसे कि इन द केस ऑफ द रेप्स, मर्डर्स हम पहचान सकते हैं भाई कोई फादर कौन है। इन केस ऑफ द पैटर्निटी डिस्प्यूट अगर हो तो क्रिटिकल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है क्राइम्स में भी बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है बच्चों, ठीक है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स मैंने करवा दिए तो आप इसको एक बार रीड कर लेना। ट्रांसजेनिक शीप मैंने आपको बता दी, ट्रांसजेनिक काव मैंने आपको बता दी, ट्रांसजेनिक माइसिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कुछ हमारे पास इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है। यूज ऑफ माइक्रोब्स टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट और सर्विसेज इकोनॉमिकली वैल्यू। देखो बेटा, हम लोग इस बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में भी करते हैं। कैसे करते हैं इंडस्ट्री में भाई? हम इंडस्ट्री में किसी वैल्यूएबल चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इसकी कीमत बहुत है, जैसे पैसा बहुत आता है, हम उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हम क्या यूज़ करते हैं, इसको हम लोग वाइट और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट जो कि शुरू हुआ था 1875 में, क्या क्या यूज़ किया था हमने? हमने लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन किया था, अमाइलेज, ग्लिसरीन, सिट्रिक एसिड, ग्लूकानोक एसिड, एसिटिक एसिड, एसीटोन, ब्यूटेनॉल, इन सब का इस्तेमाल, और सबसे इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स को हमने प्रोड्यूस किया था बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये इंडस्ट्रियल यूज़ है। अब है बायो सेफ्टी इशूज़ भाई। अब आप इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर भाई हमें कंट्रोल लगाना पड़ेगा। जो ना कि अपने मर्जी से कुछ भी यूज़ कर लो, थोड़े बहुत तो एथिक्स या इश्यूज आपको मानने ही पड़ेंगे। तो मेजर टेकन टू प्रिवेंट द एनी रिस्क ऑफ प्लांट और एनिमल एंड माइक्रोब्स फ्रॉम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोसेफ्टी। बायोसेफ्टी एक वो मेथड होता है जिसमें किसी भी प्लांट, एनिमल या माइक्रोब्स को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते ट्रांसजेनिक के मामले में भी। इट इज़ फियर दैट द जेनेटिकली इंजीनियरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम जीएम्स बोल सकते हैं, वो हो सकता है हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते भाई, हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। दे मे रैपिडली मल्टीप्लाई एंड आउटकम्स आर नेटिव माइक्रोब्स। दे मे ऑल्सो ट्रांसफर जीन रिलेटेड टू वायरलेंस और पैथोजेनिक, हो सकता है ना भाई वायरलेंस या पैथोजेनिक डिजीज कॉज कर दे। तो इसीलिए इनके लिए हम लोगों ने कुछ नियम बनाए हैं जो कि हर एक बायोटेक को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। एरा द बायोसेफ्टी गाइडलाइंस आर डेवलप टू कंट्रीब्यूट द इंश्योरिंग द एडिक्वेट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कि भाई कब याद करना है, कब कितना ट्रांसफर करना है, कितना जरूरी है, कितनी नीड है, इस अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अब देखो यार, अ पेटेंट इज द राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम द कमर्शियल यूज ऑफ हिज इन्वेंशन। एक पेटेंट आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप दूसरों को कोई इफेक्ट नहीं डालोगे अपने इन्वेंशन से। When patent are granted for biological entities, तो हम इसे bio patent बोल देते हैं। बस से हमारे पास है, हमने patents हमारे पास जैसे कि ब्लैक पेपर, ऐसे पेपर नेगेरिमिया, बासमती का था हमारे पास, इंडियन मस्टर्ड हमने बना के दी, पॉमी ग्रैंडेड हमने बना के दी, टर्मरिक, नीम, इन सब के patents हमारे पास प्रेजेंट हैं। कुछ अब इसमें तो कुछ भी नहीं है बेटा, इसको आप एक बार रीड कर लेना और कुछ नहीं। इसमें देखो एक जो चीज़ आ जाती है वो आती है बायो एथिक्स, इसको देख लेते हैं। बायोएथिक्स में वो रूल्स आते हैं जो कंडक्ट करते हैं और रेगुलेट करते हैं कि भाई दुनिया में क्या होना है। अभी हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, तो अगर आप एक ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट डालते हो तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे तो इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ ही रहा है ना, तो उसे कैसे कंट्रोल करना है, तो कुछ हमारे बायोएथिक्स हैं। ये बायोएथिक्स क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक फॉर्म वन स्पीशीज इनटू अनदर वॉयलेट द इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज, मतलब उसकी जो स्पीशीज की इंटीग्रिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। बायोटेक्नोलॉजी में प्रोजेस अनफॉरेस्ट रिस्क टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में रिस्क हो सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन जीन इनटू एनिमल या कुछ और, हो सकता है ये ह्यूमननेस ले आए उसके अंदर, होता ना ह्यूमननेस कम हो जाए भाई, मानवता वैसे भी आज प्रेजेंट नहीं है मानवता है। व्हेन एनिमल्स आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फार्मोलॉजिकल प्रोटीन्स तो दे आर वर्चुअली रिड्यूस द स्टेटस ऑफ द फैक्ट्रीज, फैक्ट्री का स्टेटस कम हो रहा है आजकल। यूज ऑफ एनिमल्स इन बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सफरिंग हो रही है भाई, जिसकी वजह से आज एनिमल्स बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं, उनकी कह सकते हैं आप इलीगल किलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। इट इज़ डिसरिस्पेक्टफुल ऑफ लिविंग मैन एंड ओनली एक्सप्लॉइड देम,
इंसान क्या कर रहा है कि जो नेचुरल नेचर है उसको छोड़ के अपने हिसाब की उसमें टेक्निक से जीन्स डालने के लिए उनको बर्बाद कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना बेटा। साइंटिस्ट कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर बायोलॉजिकल डैमेज। और भी तो आप डाल रहे हो पर्टिकुलर जिसमें तो ना कि जो आपने सोचा वही हो, हो सकता है कुछ बायोलॉजिकल डैमेज ऐसा हो जाए। जैसे कि आपने देखा ना कोरोना वायरस के तौर पर भी आई थी न्यूज़ की भाई जो ये कोरोना वायरस है उसको प्रिपेयर किया गया है, ये लीक हो गया है, तो इस तरह से क्या ये बायोएथिक्स के खिलाफ है हमारे? और कुछ नहीं खाइए। ठीक है, इट कैन एक्सीडेंटली क्रिएट न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, जैसे कि कोरोना वायरस किया था। ऑल दिस एक्सपेक्ट इंडिकेट दैट बायोटेक्नोलॉजी इज फोकस्ड ऑन एक्सप्लोटिंग द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, कि भाई बायोटेक्नोलॉजी तो हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड को खराब कर रही है। इसीलिए डिसाइड किया गया कि कुछ एथिक्स बनाने पड़ेंगे कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तो द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर दैट द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल के हिसाब से उन्होंने किया दैट such issue into consideration including patent terms, emergency provision and research development initiative. सिर्फ इन्हीं काम के लिए कर सकते, ऐसे नहीं कि आपने मना है तो कुछ भी कर लो। क्लियर? तो ये सब है कुछ बायोलॉजिकल एथिक्स हैं जो आपको देखने हैं। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है RNA interference involves क्या करता है? synthesis of RNA and DNA using reverse transcription, यह साइलेंसिंग करता है ना बेटा। आरएनए सिर्फ साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए डबल स्टैंडर्ड का। हीरोडिन, हीरोडिन क्या था? एक तरह का प्रोटीन था ना जो एंटी कोगुलेटिंग पार्ट करता था, एरा ब्लड क्लोटिंग वाला, थर्ड वाला। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस फ्रॉम प्रोटीन क्रिस्टल विच कंटेन इंसेक्टिकल प्रोटीन, द प्रोटीन बाइंड द एपिथेलियल साइल ऑफ द बिडगल एंड अल्टीमेटली किलिंग इट, इज एक्टिवेट बाई एसिडिक पीएच, नो डज नॉट किल द बैरियर। तो बेटा ये ठीक है कि बाइंड होता है उनके एपिथेलियल सेल में और प्रोलिफ्रेशन करता है, छलनी छलनी कर देता है उसको, छलनी छलनी कर देता है ना भाई। द बीटी टॉक्सिन इज नॉट टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग बिकॉज कि क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में ना प्रो बीटी टॉक्सिन एक्टिवेट रिक्वायर्ड टेम्परेचर, इट रिक्वायर्ड पीएच लोअर देन द प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्टमक इन हाईली alkaline कंडीशन। ये रहा ना हमने बताया ना कि alkaline पीएच में तो जो कि मिड गट ऑफ द इंसेक्ट्स में पाई जाती है। दिस वन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट, ओके फिगर देखिए भाई, फिगर में क्या है? ये हमारे पास इक्वल, ये हमारे पास इंसुलिन जीन है, इसको हमने लिया इसमें डाला, फिर हमने इसका रिकॉम्बिनेट करवाया, रिकॉम्बिनेट कराकर इससे बनाया और यहाँ पर हमने डाल दिया। ठीक है जी, और इस तरीके से हमने एक्सट्रैक्शन की थी इंसुलिन के। भाई ये रहा हमारे पास प्लाज्मिड इकोल आया था, हमने इसका प्लास्टीआई प्लाज्मिड लिया, यहाँ से हमने इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया। ये रहे दो डबल स्टैंडर्ड थे, इसको इसके साथ ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद देखो ये रहा प्लाज्मिड फ्री, ये रहा प्लाज्मिड फ्री इकोलाई सेल लिया, इसको साथ ज्वाइन किया और इसमें डाल दिया। टू फर्मेंट एंड मल्टीप्लीकेशन किया, सिंथेसिस हो गई इंसुलिन की, जिसको हमने कहा था एक्सट्रैक्शन ऑफ इंसुलिन मतलब ह्यूमिलिन। तो इसमें क्या है? एंजाइम इन्वॉल्व इन स्टेप ए एंड बी आर सेम, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज ए और बी। तो ए में तो भाई हाँ हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया, पर ये एक्सोन्यूक्लिएज थोड़ा ना तो बीच में से कट कर रहा है, एंडोन्यूक्लिएज है। बी एंड सी, सी में तो हम नहीं कर रहा है। तो एंजाइम इन्वॉल्व इन सी इज़ डी एन ए, हाँ सी ठीक है भाई, सी ए में डी एन ए लाइगेज यूज़ कर रहा है, क्योंकि देखो तो सी वाले स्टेप में आप देख रहे हो यहाँ से जुड़ रहा है, ज्वाइन करने के लिए तो मॉलिकुलर सीजर चाहिए आपको, एंड मॉलिकुलर सीजर इज नोन एज डी एन ए लाइगेज और नहीं मॉलिक्यूलर ग्लू। मॉलिक्यूलर सीजर का नाम तो आप बताएंगे मुझे। इन ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इन टारगेट टिश्यू इज डिटरमिन्ड बाय, अच्छा ट्रांसजेनिक में जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो किस चीज़ से डिटरमिन होते हैं? वो होते हैं प्रोमोटर। हम लोग क्या करते हैं ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशंस में, हम नॉर्मल और ट्रांसजेनिक को देखते हैं आपस में कंपेयर करके, मतलब प्रोमोटर से हमें पता लगता है। टर्मिनेटर जीन, अच्छा भाई ये कहाँ से आ गए इसमें? ये नहीं है बेटा, इसका रहने दो टर्मिनेटर जीन, इसमें आओ। जीन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर वैक्टरलेस जीन ट्रांसफर इन टू टारगेट सेल। वैक्टर बेस्ड जीन या डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डीएनए नहीं हो सकता, लाइपोसिस तो हम क्या कहेंगे भाई, वैक्टर बेस्ड जीन में यूज की जाती है ना जीन रिकॉम्बिनेंट टेक्निक, यही तो पढ़ा है हमने बायोटेक्नोलॉजी में। इन क्लोनिंग ऑफ कैटल्स अ फर्टिलाइज्ड एग इज टेकन आउट ऑफ द मदर वॉर्म एंड, अच्छा क्लोनिंग ऑफ केटल में फर्टिलाइज एग निकाल लेते हैं मदर के वॉर्म में और क्या करते हैं इन द एट सेल स्टेज, हमने पता ना ब्लास्टोमर्स बोलते हैं,
सेल्स आर सेपरेट एंड कल्चर अंटिल स्मॉल एम्ब्रियोज आर फॉर्म विच आर इम्प्लांटेड. हाँ बिल्कुल सही है भाई, उसको निकालते हैं, उसको कल्चर करते हैं और फिर जाके उसको मदर वर्म में इंसर्ट कर देते हैं. IVF टेक्निक्स में यही होता था ना, सैरोगेसी टेक्निक्स में भी यही होता है. ठीक है बच्चों, तो ये था आपका इट्स अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए से पहले वीडियो में, अब हमने एप्लीकेशन डिस्कस कर लिए. आई होप अब आपका ये कंटेंट क्लियर हो गया होगा. ये यूनिट बेटा अपने आप ही 12-14 मार्क की वेटेज रखती है बोर्ड्स में एंड नीट लेवल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी ये है. तो अच्छे से इसे कंप्लीट कीजिए. अगर बच्चों कोई भी डाउट है, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी डाउट है तो एक बार पहले थॉरली एनसीईआरटी की रीडिंग करो, अगर फिर भी नहीं डाउट क्लियर होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरे सवाल का जवाब देना मत भूलना. चलो बाय बाय, जल्द मिलेंगे दूसरी वीडियो में आपके साथ. थैंक यू.